हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी भोपाल में जीके गोल्ड फार्म पे गुलफाम भाई के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं गुलफाम भाई? शुक्र अल्लाह का बड़े भाई। भाई अभी बिल्कुल सीजन स्टार्ट होगा है। जी जी, तो अब माल लाना शुरू कर दिया या पुराना ही माल दिखा रहे हैं भाई? सब अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो मालूम ही है कि माल अल्हम्दुलिल्लाह नया ही लेके आता हूं, और पुराना कभी कुछ बेचते ही नहीं है। ठीक है, तो अभी कितने टाइम में जमा किए जानवर? ये सब अभी का कलेक्शन है। वैसे मेरा तो रमजान का इरादा था भाई कि ईद से पहले आपको डाल दूं, फिर टाइम की जो कमी थी उसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया वीडियो। ठीक है, कितने जानवर दिखाएंगे अभी इस वीडियो में? तकरीबन 10-12 हैं भाई, ज्यादा ही होंगे, गिने तो मैंने भी नहीं है। ठीक है, 10-12 सभी एक से बढ़कर एक जानवर, बहुत अच्छी क्वालिटी में जानवर सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं अपन। गुलफाम भाई बताएंगे कौन सी ब्रीड के अंदर है? शादा भाई, इसकी ब्रीड का तो आइडिया नहीं है, बहरहाल अपन को मार्केट में अच्छा लगा था ये, तो उसको उठा लाया था, धन थे ये। कलर पैटर्न बहुत अच्छा है इसका। हाँ, ब्लैक वाइट पर। कितने महीने का होगा? अराउंड 11 महीने का है शादा भाई, 11 से 12 मंथ का हो चुका है। मतलब ईद पे कुर्बानी लायक हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स बता दो उसकी। डिटेल्स ये शादा भाई 45 से 48-50 किलो के आसपास आ जाएगा, तोला नहीं है अपन ने इसका बॉडी वेट, लेकिन अगर कोई भाई मांगेगा तो अपन तोल के भी दे देंगे। ठीक है गुलफाम भाई, अंदाज से वजन 45 से 50 के जी इंशाल्लाह तुलेगा। अच्छा, बॉडी वेट इसका और अदन थे अभी। लेकिन ये साला देखने में बालों से आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाल होते हैं इसके, लेकिन ये काफी भारी घर का मेंढा है ये। अच्छा, चरा हुआ नहीं है, जिससे अपन ने लिया था तो सिटी का मेंढा है ये। ठीक है, बता दो प्राइस कितने का दोगे? शादा भाई ये मेंढा अपन दे देंगे 17,000 रुपए में, बिना ट्रांसपोर्ट के। बिना ट्रांसपोर्ट के? ठीक है भाई, ये पहला जानवर हो गया अपनी इस वीडियो का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गुलफाम भाई। ये फीमेल है वाइट? हाँ, ये वाइट वाली फीमेल है शादाब भाई। कौन सी ब्रीड में है? ये कोटा है शादाब भाई, कोटा के अंदर है। ठीक है, कौन से ब्याथ की होगी ये? फर्स्ट टाइम बच्चा दे चुकी है, सेकंड टाइम देगी ये। अभी लोडेड है या खाली? हाँ, ये कम दिन की लोडेड है, और इसका एक बकरा है, ब्लैक वाइट में दिखाऊंगा इसी वीडियो में जो आएगा, ये उससे लोडेड है। अच्छा, तो मुश्किल से ये 15 से 20 दिन की लोडेड है, गारंटी है इसकी। ठीक है, तो अभी कितने की देने वाले हैं ये शादा भाई? ये वाली फीमेल अपन जो देंगे भाई थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि गुलाबी है ये और नई उम्र की बकरी है, तो अच्छी चीज तो खुद आगे से मुझे भी थोड़ी सी महंगी आई है, लेनी पड़ती है। बता दो आप तो अपना प्राइस कितना? शादा भाई ये वाली फीमेल जो है ना अपन देंगे बड़े भाई 24,000 रुपए की। 24,000 रुपए? ठीक है, छोड़ के दिखा दो। अभी नई उम्र की फीमेल है तो उससे लंबे टाइम तक अभी ब्रीडिंग मिल जाएगी। अभी जानवर सारे बंधे हुए हैं ना, तो खोल के दिखाने में दिक्कत होगी, ज्यादा जानवर है, नहीं तो मैं आपको खोल के भी दिखाता। बाकी देखिए फीमेल आप। ठीक है भाई, इसके बाद पीछे और मेंढे बैठे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद ये वाली फीमेल पे आ जाए, ये भी लोडेड है शादाब भाई, ये भी लोडेड है। दांतों में कितनी हो गई शादाब भाई? दांतों में पूरी हो गई ये वाली। और कौन से ब्याथ की होगी ये? तीसरी बार बच्चा देगी अभी, तीसरी बार अब बच्चा देगी। ठीक है, ये कितने की देने वाले शादाब भाई? ये वाली जो फीमेल है ये अपन 25,000 रुपए की देंगे, बिना ट्रांसपोर्ट। कानों की जो है लेंथ लंबी है, तो ये जंगल से ही मैंने देखा है, महंगी आती हैं थोड़ी बकरियां। ठीक है भाई, अच्छी फीमेल है माशाल्लाह। ये मेंढा बचा, ऐसे भी उठा के दिखा दो आप शादा भाई। ये वाला मेंढा अपन ने दे दिया है। अच्छा, दे दिया है भाई, हैदराबाद में है, तो ये मेंढा अपन ने उनको दे दिया है। ये हैदराबाद में दिया है, वहाँ खुद मेंढों का शौक इतना जबरदस्त होता है भाई, तो ये उनको मैंने बेच दिया है ये वाला। ठीक है, तो अभी हाल ही मेरा मतलब वीडियो में इनका डाल दूंगा, अगर बेका हुआ चलिए। ठीक है, तो रीसेल नहीं होगा अभी? हाँ, ये रीसेल नहीं होगा, ये बेच चुके हैं शादाब भाई अपन उनको, भाई को। ठीक है, तो ये जाने के लिए तो इंशाल्लाह हो सकता है आज चला भी जाएगी नाइट। ठीक है, फिर इसकी डिटेल और प्राइस पूछने का कोई मकसद नहीं, मकसद ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने पास अब बड़े जानवर हैं भाई शादाब भाई, बड़े स्टार्ट करते हैं। जी जी जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बच्चा दिख रहा है ये। ये दो दांत का हंसा बच्चा है शादाब भाई, दो दांत पे। कब हुआ दो दांत शादाब भाई? अभी नया हुआ है दो दांत, पंच फेस में बच्चा। ये कितना टाइम हुआ होगा? तकरीबन 1.5 से 2 मंथ हो चुके हैं इसको। 1.5-2 महीने दो दांत के हो गए, मतलब ईद पे भी दो ही रहेगा ये चार? हाँ, अराउंड दो ही रहेगा वैसे तो अभी, क्योंकि मैंने इसको चेक करा था कि अभी करेगा दांत नहीं, क्योंकि नया भी करा हुआ है भाई ये। ठीक है, हाइट और वेट भाई? इसका वेट 60 kg का तोला है, बॉडी वेट का वजन है, हाइट 37 इंच है। ठीक है, वेट चेक किया हुआ है, पूरा कांटे का वीडियो है अपने पास माशाल्लाह। ये अच्छी बात है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसका मैंने वजन किया है, उसका वीडियो तो मिल जाएगा आपको। ठीक है गुलफाम भाई, बच्चा जो है ब्रीडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और चाहो तो कुर्बानी कर लो या पाल लो इसको, है ना, जो दिल चाहे। वैसे तो मेरे हिसाब से पलटी का बच्चा है शादाब भाई, 1 साल और आराम से पालना चाहिए, पालने, क्योंकि बहुत कम बच्चे आते हैं ऐसे, और सींग भी ब्लैक वाइट है इसके। ठीक है, तो उसका बताओ कि प्राइस कितना है? नहीं शादाब भाई, बाकी का सबका प्राइस जो रहेगा पर्सनल में रहेगा। अब बड़े जानवर हैं और महंगे हैं थोड़े, थोड़े महंगे का क्वालिटी के जी, अब उसमें का अच्छी जो चीज़ होती है शादाब भाई, वो आपको खुद ही मालूम है।
ठीक है भाई, चेहरा माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, कानों की लेंथ गुलाबी है बच्चा माशाल्लाह पूरा। ये बहुत अच्छा बच्चा है शादाब भाई। ठीक है जाने दीजिए इसको भाई, ये भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कानों की क्वालिटी में है बकरा। बहुत अच्छा बच्चा है शादाब भाई। ये कोटा ही है? ये भी कोटा है शादाब भाई। किसी हैदराबादी से क्रॉस है या प्योर? नहीं, में प्योर कोटा है शादाब भाई। इसके कान का जो साइज है वो अपन नाप के देंगे, 18 इंची है और हो सकता है ऊपर ही नापा है अपन ने। माशाल्लाह भाई 18 इंच का कान है। और बकरा दांतों में कितना हो गया शादाब भाई? दांतों में 6 लगाया है अभी, जस्ट नया 6 लगाया है। हाइट और वेट भाई? इसका बॉडी वेट तो किया नहीं है मैंने वैसे, इंशाल्लाह ये बकरा जो है ना 70 से 75 केजी में आ जाएगा शादाब भाई। 75 ही तोलेगा इंशाल्लाह, तोला नहीं है, बैठ जाएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना आ जाएगा। ठीक है गुलफाम भाई, बकरा बहुत शानदार है, अगर कोई ब्रीडिंग के लिए रखता है तो जो बकरी है, दोनों बकरी इसी से लोड है शादाब भाई। अच्छा, इसी से लोड करवाएंगे? मैं आपसे कह रहा था ना वीडियो में कि मैं बताऊंगा तो वो इसी से लोड है शादाब। उम्मीद है जो आने वाली नस्ल होगी बच्चों की वो बहुत अच्छे कान लेकर आएंगे। जी शादाब भाई, कान भी अच्छे खासे लंबे हैं और माँ के कान भी लंबे हैं। ठीक है भाई, बच्चा माशाल्लाह बहुत शानदार है ये, जाने दीजिए इसको भी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन, ये एक हैदराबादी है अपने पास, हैदराबादी है और ब्लू आइस में है शादाब भाई साला, ये तो देखिए आप भाई। अच्छा, ये अब माशाल्लाह खुलने के बाद दिख रहा है गुलफाम भाई, बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है, बहुत अच्छा। डिटेल बता दो उसकी क्या है अभी शादाब भाई। ये दांतों में पूरा हो गया बड़े भाई, दांतों में पूरा हो गया। हाइट कितनी है इसकी शादाब भाई? इसकी हाइट है 37 हाइट है इसकी, 37 की हाइट है। और वजन कितना है शादाब भाई? इसका वजन आएगा 65 केजी पे, 65 से 70 किलो पे। और बच्चे के अंदर देख रहा हूँ मैं, चौड़ान बहुत शानदार है, बहुत लटक है शादाब भाई, बहुत लटक है, देखो ना आप। तो क्या लगता है गुंजाइश है पालने की अभी इसमें? क्यों नहीं शादाब भाई, देखिए आप। और अगर कोई ब्रीडिंग के लिए रखना चाहता है तो? बहुत अच्छी चीज है ब्रीडिंग के लिए भी माशाल्लाह। ठीक है, कब आया अपने पास में ये सब शादाब भाई? अपने पास 2 से 4 दिन हुए, नया माल जो स्टॉक आया है ये। लेकिन भोपाल क्लाइमेट में सेट दिख रहा है, सब सेट जानवर है जो अभी जानवर, जितने बड़े बड़े जितने बकरे हैं ये सब भोपाल के ही बकरे हैं। चलिए बेहतर है, तो उसका भी प्राइस जो है वो पर्सनल में बताओगे? जी पर्सनल में रहेगा इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, और भी खूबसूरत जानवर है अपने पास में। खोलो, जैसे कि एक ये बहुत बड़े फ्रेम में है कोटा। हाँ शादाब भाई, बड़े फ्रेम में ये 4 था लेकिन 6 दांत अभी लगाया इसने, और अभी अनकम्प्लीट दांत छठा आया नहीं है, बस तोड़ा है। अच्छा ठीक है, हाइट कितनी है इसकी? इसकी शादाब भाई 39 से 40 हाइट है इसकी। ठीक है, नाप ही नहीं, नप जाएगा 40 भी। वजन कितना होगा इसने? वजन बॉडी वेट 75-1 किलो के आसपास है शादाब भाई, तुल जाएगा इतना ये भी। जी माशाल्लाह। अच्छा, अभी ये भराई मराई पे नहीं लिए बकरे इसलिए इतने ज़्यादा गर्म है ये? जी पकड़ो पकड़ो इसको आप, बहुत गर्म है शादाब भाई। एक बार डिटेल और क्लियर कर दो, दांत के 6 लगाने वाला है जी, और हाइट कितनी है भाई शादाब भाई? 39 हाइट नप जाएगी इसकी। ठीक है, 38 से 39 ही पकड़ते हैं अपन भाई। आप तो नाप लेना इसकी, 39 ही नपेगी बकरा का भी। अच्छा, आपको लग रहा है इधर पे दब रहा है थोड़ा? हाँ, ये देखिए। और वजन में भी ये 75 किलो, तो आप 70 किलो मान के चले, इतना तुल जाएगा इंशाल्लाह। तो गुलफाम भाई, इसका भी प्राइस पर्सनल में बताओगे? जी शादाब भाई, सबका प्राइस जो रहेगा अपना पर्सनल में रहेगा। अगर कोई सपोज एक साल रोक लेता है गुलफाम भाई इस बकरे को जी, तो क्या रिजल्ट देना चाहिए एक साल में भाई? कलर तो देखिए, अब मैं उसका क्या बोलूं, आपके सामने है। मैं वजन को लेके बात कर रहा हूँ, हाइट को भाई रखने वाली चीज़ है, बढ़ेगा 40+ में हाइट आ जाएगी इंशाल्लाह। बॉडी वेट का जितनी वो मेहनत करेगा उस पर रिजल्ट उसका खुद दिखेगा। 100 तो पार हो जाएगा इजीली। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। चलिए ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 बकरे और बचे हैं। एक ही माशाल्लाह गुलाबी है पूरा, ये कौन सी ब्रीड के अंदर है भाई? ये मालवा है शादाब भाई, मालवा के अंदर है वो, पूरा तर गुलाबी बच्चा है ये। कितनी हाइट है इसकी शादाब भाई? 38 हाइट है इसकी, 37.5-38। ठीक है, और बॉडी वेट इसका तोला हुआ है ये। कितना चेक किया आपने? ये 85 केजी पर है। 85 केजी अभी आ रहा है माशाल्लाह। और दांत कितने लगा लिए? 6 दांत पर है शादाब भाई। 6 दांत, मतलब इसके अंदर भी एक साल की गुंजाइश है, आराम से पाल सकते हैं। बहुत बड़ा है भाई, अभी तो अपन का रमजान से पहले का तोला था, हो सकता है ये और भारी निकले ये। ठीक है, इसका वेट किया हुआ है? किया हुआ वेट है, वीडियो मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी इसकी वीडियो बड़े भाई। ठीक है गुलफाम भाई, ये भी मेरे हिसाब से एक साल आराम से पाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अभी 6 ही दांत पे हुआ है। अभी कुछ लोग तो भाई 8 दांत के बाद भी पालना स्टार्ट करते हैं, जैसे भराई वाले हुए। ठीक है भाई, बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये भी जाने दो उसको भी। एक और दिखा रहा हूँ आपको, ये हंसा, ये लास्ट में ये भी हंसा बचा है जी। ये भी हंसा शादाब भाई, 4 दांत का है ये। ये 4 दांत पे है? अच्छा, चेहरे से ही लग रहा है थोड़ा सा अभी बच्चा है ये। हाँ, ये 4 दांत भी नया वाला है, ये भी नया ही 4 दांत हुआ है अभी। और हाइट कितनी है इसकी?
इसकी भी अराउंड 36 से 37 मान के चले, 36 37 की हाइट है जी। और वजन कितना होगा? बॉडी वेट भी यही है, 65 kg पे अपना मान के चले अराउंड। चेक नहीं किया इसका? चेक नहीं किया है इसका, अंदाज से बता रहा हूँ। अंदाज से बता रहा हूँ। माशाल्लाह। गुलफाम भाई इसको कितना टाइम हो गया अपने पास? शादा भाई ये सब बकरे क्या अपने भाई के लिए हुए हैं, तो उनके घर के ही हैं, लेकिन भोपाल के क्लाइमेट में बिल्कुल सेट हैं, तो ये सब जंगल का माल नहीं है ये। जंगल से आने के बाद नहीं आया इसमें से, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाते हैं जंगल के जानवर, लेकिन भोपाल क्लाइमेट में सेट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गुलफाम भाई, अभी टोटल कितने बकरे दिखा दिए आपने हमको? आपको जो है 10-1 जानवर दिखा चुका हूँ अभी आराम, जिसमें से 4 जानवरों का जो है आपने प्राइस खोला खोल दिया है। और बच्चा दिखाई शरा भाई, बहुत आला बकरा है ये। हाँ अभी देखो भाई, अपनी मर्जी से जब खड़ा है ना तो वो अलग ही लुक के अंदर दिख रहा है। देखिए आप उसको, आप पकड़ रहे थे ना उस टाइम पे तो बकरा दब रहा था वो। ठीक है गुलफाम भाई, तो इन सब के प्राइस के लिए जो भी है पर्सनल में कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है ना? ठीक है इंशाल्लाह शादाब भाई। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे भाई वो सीधा आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम भाई।